त्योहार मनाते हैं, आओ बतलाते हैं क्यों इस दिन हम सब घर आंगन में दीप जलाते हैं। आओ बतलाते हैं क्यों लक्ष्मी के संग देव गणेश भी पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं। आओ बतलाते हैं। घर में रौनक रहती, खुश होता परिवार, हर घर में होती है रौनक, घर घर में खुशहाली, दीप जलाते हैं सारे जिस दिन होती दिवाली। 14 वर्ष के बाद राम इस दिन थे अवध में आए, इसी खुशी में सबने घर घर थे दीप जलाए। प्रभु राम का अवध वासियों ने था किया सत्कार, दीपावली का इसीलिए हम मनाते हैं त्योहार। आओ एक कथा तुमको हम और बताते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं। आओ बतलाते हैं। लक्ष्मी माँ धन की देवी, धन की करती बरसात, भक्तों के घर में आती माँ देव गणेश के साथ, भक्तों के घर आकर उनके काम बनाती है माँ देव गणेश के साथ, सभी पर दया लुटाती है माँ लक्ष्मी। और गणेश की इस दिन पूजा होती है, इसके बारे में भक्तों बड़ी प्रचलित एक कथा है, आओ तुमको हम उसके बारे में बतलाएं। देव गणेश के साथ में लक्ष्मी माँ को आज मनाएं। सुनो ध्यान से तुमको प्यारी कथा सुनाते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं। आओ बतलाते हैं। किसी गांव में भक्तों एक रहता था साहूकार, उसकी एक थी बेटी जो थी बड़ी ही होनहार। ये कन्या प्रतिदिन पीपल के पेड़ पे जल थी चढ़ाती, इस पीपल के पेड़ पे लक्ष्मी मैया जी रहती थी। एक दिन लक्ष्मी माँ ने अपने मन के भेद को खोला, मेरी सहेली बन जाओ माँ ने कन्या से बोला। कन्या ने बोला ऐसे सहेली न बन पाऊंगी, पिता से पूछ के मैं तुमको ये कल ही बतलाऊंगी। पिता के हाँ कहने पे सहेली वो बन जाते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मना
सुनाते हैं, आओ बतलाते हैं। अच्छी सहेली भक्तों तब वो बन जाती हैं, अपने मन की बातें एक दूजे को बतलाती हैं। एक दिन कन्या को लक्ष्मी अपने घर ले जाती हैं, तरह तरह के व्यंजन उस कन्या को खिलाती हैं। खूब ही आदर करती है कन्या का माता लक्ष्मी, अपने घर कब ले जाओगी कन्या से है कहती। घर आने का न्योता कन्या उनको दे आती है, अपने घर की हालत से पर दुखी वो हो जाती है। माँ की कृपा से काम मगर सबके बन जाते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं, आओ बतलाते हैं। कर सारी बातें वो पिता को बतलाती है, लेकिन घर की हालत से वो चिंतित हो जाती है। ऐसे दुखी मत हो बेटी उसे पिता समझाते हैं, साफ सफाई घर की कर बेटी को बतलाते हैं। घर आंगन में मिट्टी का चौका सुंदर सा लगाओ, चार मुखी दिया लक्ष्मी के नाम का बेटी जलाओ। लक्ष्मी जी के स्वागत की कर लो ऐसे तैयारी, देख न पल में मिट जाएगी तेरी चिंता सारी। माँ की दया जिस पर हो कष्ट कभी नहीं आते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं, आओ बतलाते हैं। उसी समय एक चील वहां पर आई उड़ते उड़ते, एक नौलखा हार था भक्तों उस चील के मुख में। चील ने हार को साहूकार के घर पर भक्तों छोड़ा, साहूकार की बेटी ने उस हार को तब ही देखा। हार को बेच के कन्या ने की भोजन की तैयारी, माँ की दया से मिट गई अब कन्या की चिंता सारी। थोड़ी समय के बाद ही लक्ष्मी माँ उसके घर आई, अपने साथ में लक्ष्मी मैया श्री गणेश को लाई। दोनों लक्ष्मी गणेश के स्वागत में लग जाते हैं, क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं, आओ बतलाते हैं।
देख के भव्य स्वागत अपना प्रसन्न हुई महामाई। स्वागत से खुश होकर माने अपनी दया बरसाई। कन्या ने फिर श्रद्धा भाव से दोनों की पूजा की। दोनों ने कन्या के ऊपर अपनी बड़ी कृपा की। लक्ष्मी जी की दया से मिट गए सारे ही संताप। होने लगी उनके घर में फिर खुशियों की बरसात। लक्ष्मी और गणेश जी सबके संकट हरते हैं। दीपावली को इसीलिए इनका पूजन करते हैं। इनकी कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। क्यों दीपावली का हम सारे त्योहार मनाते हैं, आओ बतलाते हैं।